हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप सबको पता ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस क्या क्या बेनिफिट्स क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो पहला जो इसका एडवांटेज है वो प्लानिंग यानी कंपनी को किसी भी तरीके का प्लानिंग करना है फ्यूचर के लिए तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ कर सकती है उस टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है दूसरा है कंट्रोलिंग मैनेजमेंट जब अपना कंट्रोलिंग फंक्शन करती है तो उसमें भी उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन जब वर्कर्स सुपरवाइज़र या टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है जब भी कोऑर्डिनेशन का वर्क वो करती है मैनेजमेंट तो उसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवेलुएशन जब भी कंपनी को अपने परफॉर्मेंस को इवेलूएट करना होता है अपने परफॉर्मेंस को चेक करना होता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रही है विथ इन वन ईयर और विथ इन सिक्स मंथ जब भी वो परफॉर्मेंस इवेलुएट करती है तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट है उसके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में भी उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी मोटिवेटिंग फंक्शन में भी पड़ेगी क्यों क्योंकि जब उसके पास सारे डेटा अवेलेबल तो वो देखेगी कौन से वर्कर्स कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा मोटिवेट वर्कर्स को करेगी कम्युनिकेट करने में मतलब अगर एक दूसरे को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है टॉप लेवल को मिडिल लेवल से वर्कर्स को सुपरवाइजर से आ, एम्प्लॉज़ को एम्प्लॉय से तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है और जो हमारा नेक्स्ट है और लास्ट है वो हमारा डिसीज़न मेकिंग कंपनी को अगर किसी भी तरीके के अकाउंटेंट को मैनेजमेंट अकाउंटेंट को किसी भी तरीके का डिसीज़न लेना होता है तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होती है बेसिकली हमारे कुछ एडवांटेज थे होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है थैंक यू